और खबरें तफसील से, जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कब होंगे इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने एरो तैनात कर दिया है। तमाम 90 असेंबली हलकों के लिए तकरीर की हिदायत जारी की गई है। एरो तमाम इंतखाबी सरगर्मियों को देखेगा। वोटर लिस्ट 27 मई को जारी की जाएगी। लद्दाख के लिए भी 2 एरोज मुकर्रर किए गए हैं। और पाकिस्तान में अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जबरी गुमशुदगियाँ और सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में इजाफा हुआ है। तंजीम के मुताबिक मजहबी अकलीतों और ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात, तौहीन मजहब के मुकदमात और इश्तियाल अंगेज़ी भी बढ़ गई है। कमीशन का मानना है कि मुल्क को दरपेश आइनी और सियासी बहरान को अदालत के जरिए हल करने के मामले ने सूरत हाल को मजीद ख़राब कर दिया है। अकलियतों की इबादतगाहों की बेहरमती और दीगर मजहबी बरादरियों के साथ इम्तियाजी सलूक के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों बशमूल सियाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। गुलमर्ग और टंगमर्ग में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाह बर्फबारी देखकर फूले नहीं समाए। टंगमर्ग और गुलमर्ग में ज़्यादातर लोग बर्फबारी के मुंतजर होते हैं, क्योंकि गुलमर्ग और टंगमर्ग में बेशतर लोग सयाहत से जुड़े हैं। इसी सयाहत पर उनका रोज़गार मुनहसर होता है। इस मौसम में उनके रोज़गार में इजाफा होता है। जम्मू कश्मीर में रवां साल रिकॉर्ड सयाहों की आमद मुतवक्के है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह उम्मीद जाहिर की। ख्याल रहे कि पिछले साल 1.88 करोड़ सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उम्मीद जताई कि इस साल 2 करोड़ सयाह यहां आएंगे। श्रीनगर में कई दिनों से बारिशें हो रही हैं और वही गुलमर्ग में आज सुबह सुबह बर्फ भी हुई। आपको बता दें कि टूरिस्ट जो हैं, टूरिस्ट इस वक्त हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कल एलजी जो है उन्होंने कहा था कि लास्ट ईयर 1.28 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पे आए और काफी ज्यादा हेवी फुटफॉल रहा। और अगर हम इस साल की बात करें तो एक्सपेक्टेड टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है और टूरिस्ट जो है काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको बता दूं कि जहाँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ने गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग को छोड़ कई सारी ऐसी नई टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, कई सारे ऐसी नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो वो डेवलप कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको डेवलप करने में जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी इकोनॉमी में ओवरऑल एक बूस्ट आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 2019 के बाद आज 2023 में जो कहीं ना कहीं कश्मीर इकोनॉमिकली पीछे चला गया था वो आज वापस आ रहा है और कहीं ना कहीं टूरिस्ट की वजह से अपनी इकोनॉमी में अरूज को छू रहा है। कैमरामैन अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस को उस्वत देने के लिए आज एफएम रेडियो स्टेशंस का इफ्तिताह किया। एफएम रेडियो स्टेशन 18 रियासतों 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शुरू की जाएगी। 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए 84 एफएम रेडियो स्टेशनों का इफ्तिताह किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेडियो स्टेशंस का इफ्तिताह किया जाएगा। खास बात यह है कि सरहद से मुतल्लिका इलाकों में भी राबते बढ़ाने के लिए ट्रांसमीटर लगाए गए हैं ताकि वहां भी रेडियो कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी। जब समय सीमित हो हमारी दिशा क्या होगी, हमारे कवर द अनकवर्ड, परिचित इलाकों तक आकाशवाणी की पहुंच लगातार बढ़ रही है। देश के वो क्षेत्र जो अभी तक AIR FM कवरेज से वंचित थे, ऐसे 91 जगहों को चिन्हित कर 100 वॉट के FM
AIR FM की नई पहल से 2 करोड़ लोगों को सीधे लाभ होगा और कवरेज में 35,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी। आकांक्षी जिले हों या वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, दूर सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र हो या ऐसे इलाके जहां अभी तक AIR FM स्टेशन नहीं था, अब मिलेगा उन्हें भी अपना नया स्टेशन, जिससे स्थानीय भाषाओं को और भी समृद्धि मिलेगी। वहीं लोक संस्कृति और लोक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन होगा। इन प्रयासों से सूचना क्रांति की सदी में अब तय होगा सटीक और भरोसेमंद सूचनाओं से सुशासन और विकास का रास्ता। रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरे देश की ताकत गांव में है, मेरे देश की ताकत माताओं बहनों। और जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी है। रामबन में सुबह से बारिश हो रही है, पुंछ के साथ राजौरी में मूसलाधार बारिश हो रही है। शाबान अब्बास के इलाके में लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया है। हाईवे पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है कि लोग नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि सतह आब में इजाफा हुआ है। एक बार फिर कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। महकमे सेहत की जानब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 7,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं, जो कि तशवीश का बायस बना हुआ है। कोरोना के ज्यादातर मरीजों को घरों में ही रहने और एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ भी पूरी तरह से मुतहरक नजर आ रहा है। जमीनी सतह पर तमाम जरूरी इकदाम मुकम्मल किए गए हैं।